नमस्कार दोस्तों क्राइम तक में आप सबका स्वागत है मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी आप सबने भिंड का नाम जरूर सुना होगा भिंड मुरैना और आसपास का ये जो पूरा इलाका है वो चंबल के इलाके में आता है और चंबल का नाम आप सबने ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप सब जानते हैं कि चंबल का जो इलाका है वो बागियों के लिए बड़ा विख्यात है कुख्यात भी है बागी चंबल से जो डकैत हुए उन्होंने खुद को ये नाम दिया जबकि बाकी दुनिया के लिए वो सारे लोग डकैत हैं बहरहाल किन परिस्थितियों में डकैत बने क्यों बने अपने आप को उनका बागी कहना कितना सही है कितना गलत ये एक अलग मसला है लेकिन आज भिंड की बात हो रही है तो मुझे लगा कि आप लोगों को भिंड से रिलेट कराने के लिए चंबल के चंबल की इस खासियत के बारे में बताएं बहरहाल चलिए भिंड की कहानी की शुरुआत करते हैं ये घटना है एक अक्टूबर दो की सुबह तकरीबन साढ़े बजे का वक्त है आम तौर पर इतनी जल्दी लोग नींद से नहीं जागते और वो लोग जो देर रात तक काम करते हैं कहीं देर से फिर घर लौटते हैं या तो फिर कोई बहुत अर्ली मॉर्निंग कहीं ड्यूटी पर जा रहा होता है तब वो लोग सड़क पर निकलते हैं तो खैर इसी वक्त में जिसे इंग्लिश में वी आवर भी कहते हैं और हिंदी में अल सुबह या मुंह अंधेरे तो खैर साढ़े चार बजे भिंड में एक अक्टूबर 2022 में लोगों की नजर राजपूत नगर इलाके में एक नाले पर पलटी हुई ऑटो रिक्शा पर जाती है लोग देखते हैं कि एक ऑटो रिक्शा नाले में गिरी हुई है और वो टेढ़ी मेढ़ी होकर पलटी हुई है जब लोग इस मंज़र को देखते हैं तो उन्हें चिंता होती है कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि ऑटो रिक्शा में कोई सवार हो एक्सीडेंट हो गया हो ऑटो रिक्शा नाले में जा गिरी हो तो लोग जब पास पहुंचते हैं तो उनका डर सही निकलता है ऑटो रिक्शा के सामने वाली सीट पर तो नहीं लेकिन पिछली सीट पर उन्हें एक आदमी नज़र आता है जिसका जिसके जिसके सिर पर चोट के निशान हैं और काफ़ी सारा खून बह रहा होता है पहली ही नज़र में देखने से ये मामला एक्सीडेंट का लगता है साथ में लोगों को ये भी लगता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो इस ऑटो रिक्शा का ड्राइवर कहाँ है क्योंकि पीछे जो शख्स बैठा है वो ज़ाहिर है वो ड्राइवर तो हो नहीं सकता वो जो है पैसेंजर ही होगा तो ये एक सवाल लोगों के मन में होता है लेकिन लोग फौरन उस आदमी को ऑटो रिक्शा से खींच बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि उसे मदद दी जा सके और साथ ही पुलिस को कॉल भी करते हैं पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है पूरे सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करती है ये भी देखती है कि किस हालत में ऑटो रिक्शा में सवार उस आदमी वो आदमी जो है उस ऑटो रिक्शा में पड़ा हुआ था और ड्राइविंग सीट पर जो बंदा रहा होगा वो कहाँ है ये सारे सवाल जो है पुलिस के मन में भी थे और पुलिस ने उस आदमी को वहाँ से लोगों की मदद से बाहर निकाला मगर बाहर निकालने के बाद ही पुलिस को इस बात का एहसास हो चुका था कि ये आदमी अब जिंदा नहीं है लेकिन पुलिस ने कंफर्मेशन के लिए उस डेड बॉडी को मेडिकल चेकअप के लिए भिजवाया और मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उस आदमी की मौत हो चुकी है वो जिंदा नहीं है अब पुलिस इस मरने वाले आदमी की पहचान पता करने में जुट गई और जल्द ही पुलिस को ये पता चल गया कि मरने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसी ऑटो रिक्शा का ड्राइवर है जिसका नाम है संजय बघेल लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि अगर संजय बघेल खुद ही अपनी ऑटो रिक्शा चलाकर कहीं जा रहा था और वो किसी हादसे का शिकार हुआ उसकी गाड़ी अगर नाले में घुस गई तो फिर संजय बघेल ड्राइविंग सीट से पिछली सीट पर कैसे आया ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था और इस सवाल पर पुलिस माथापच्ची कर रही थी पुलिस को लग रहा था कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि संजय बघेल के साथ कोई साजिश हुई हो कहीं ऐसा ना हो किसी ने उसकी हत्या की हो और इसे एक्सीडेंट का रूप दिया हो इस तरह का सवाल पुलिस के मन में था अब पुलिस ने संजय बघेल के परिवार वालों से बातचीत की परिवार के लोगों ने उसकी किसी से भी दुश्मनी होने की बात से इनकार किया संजय के परिवार में भिंड में कुल पांच लोग थे तीन उसके छोटे छोटे बच्चे खुद संजय और संजय की पत्नी नारायणी तो नारायणी से जब पूछा गया तो नारायणी ने भी जो है कोई दुश्मनी वाली बात से इनकार किया और ये कहा कि हो सकता है कि यह मामला एक्सीडेंट का हो उनके पति कई बार देर रात को काम पर जाते हैं लौटते भी हैं लेकिन यह हादसा कैसे हुआ उन, उसे नहीं पता बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया पुलिस को शक तो था ही क्योंकि संजय की लाश जो है वो ड्राइविंग सीट पर नहीं या नीचे नाले में नहीं बल्कि पिछली सीट पर फंसी हुई या बैठी हुई हालत में मिली और दूसरा जिस तरह उसके सिर पर चोट का निशान था उस निशान को देखकर कर ये लग रहा था कि शायद ये चोट उसे उस एक्सीडेंट से नहीं लगी बल्कि उस उसके सिर पर किसी ने चोट मारी है या चोट कहीं बाहर और लगाई गई है तो ये भी एक इंडिकेशन था पुलिस के लिए कि शायद ये मामला एक्सीडेंट का नहीं है जैसा इसे दिखाने या बताने की कोशिश हो रही है क्योंकि अगर किसी भी हार्ड सरफेस से टकरा कर संजय के सिर पे वो चोट लगा होता तो उस हार्ड सरफेस पर भी खून के निशान या उस तरह के धब्बे वहाँ ऑटो में होने चाहिए थे या नाले की किसी दीवार पर या पत्थर पर लेकिन वहाँ इस तरह का कोई निशान जो है पुलिस को नहीं मिला ये देख पुलिस को लग रहा था कि शायद ये चोट एक्सीडेंट का नहीं है इसके बाद जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो एक और नई कहानी सामने आ गई जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि इस एक्सीडेंट से पहले संजय के पेट में कोई नशीली चीज़ थी यानी खाने खाने के साथ उसे कोई नशीली चीज़ दी गई थी उसका जो फूड है पेट में जो अनडाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड फूड पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने रिकवर किया देखा उसमें कुछ ऐसे सेडेटिव्स या जहर जो भी आप कह लें वो शामिल था जिसके खाने से इंसान को तेज नशा हो सकता है तो ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि शायद संजय के साथ कोई साजिश रची गई लेकिन अब ये साजिश कौन रच सकता है अगर संजय का कोई दुश्मन नहीं है पत्नी भी इस बात से इनकार कर रही है तो फिर ये पता करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है पुलिस अब संजय के मोबाइल फ़ोन की पड़ताल करने की शुरुआत करती है वो ये जानने की कोशिश करती है सी देखती है कि संजय की किन किन लोगों से बात होती थी किससे दुश्मनी थी किससे दोस्ती थी जिस ऑटो रिक्शा स्टैंड से वो रोज़ गाड़ी चलाया करता था उस ऑटो रिक्शा स्टैंड में जाकर पुलिस वहां के दूसरे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स से बातचीत करती है ताकि ये पता चल सके कि संजय की जिंदगी में क्या चल रहा था इसी बीच पुलिस उस आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने का फैसला करती है और इस कोशिश में जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करती है तो पुलिस को उस नाले के पास एक कैमरे में वही ऑटो रिक्शा नजर आता है लेकिन वो ऑटो रिक्शा खुद नहीं चल रहा है बल्कि एक आदमी उस ऑटो रिक्शा को धकेलता हुआ दिखाई देता है अब ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है अगर तो ऑटो रिक्शा एक्सीडेंट का शिकार हुआ तो फिर वो ऑटो रिक्शा खुद ही चलना चाहिए मतलब ड्राइवर उसको ड्राइव करके ले जा रहा हो एक्सीडेंट हो गया हो ये बात तो समझ में आती है लेकिन अगर कोई ऑटो रिक्शा को पीछे से धक्का लगा रहा है और इसके बाद अगर वो ऑटो रिक्शा एक्सीडेंट का शिकार हो गया तो इसका मतलब इसके पीछे कोई और कहानी है क्योंकि कोई जान ऑटो रिक्शा को धक्का लगाकर नाले में तो नहीं फेंकेगा और अगर फेंकेगा तो इसके पीछे कोई गहरी साजिश होगी वो आदमी कौन है जो ऑटो रिक्शा को धक्का लगा रहा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को देखकर इतना तो कंफर्म हो गया कि वो तस्वीर जो है खुद ऑटो रिक्शा ड्राइवर यानी संजय की नहीं है संजय बघेल की नहीं है तो वो आदमी कौन है ये भी पुलिस के मन में एक सवाल था अब पुलिस ने उस आदमी के पहचान की भी कोशिश शुरू की साथ ही पुलिस ने संजय के घर वालों के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की इस कोशिश में पुलिस को संजय की पत्नी नारायणी के बारे में एक सच पता चला एक सच ये पता चला कि नारायणी जो है वो अपने पति संजय के होते हुए भी किसी और शख्स के संपर्क में थी और उससे बहुत फ्रिक्वेंटली बात किया करती थी और जांच करते हुए पुलिस को ये भी पता चला कि नारायणी के पास एक नहीं बल्कि तीन तीन सिम कार्ड थे जिन सिम कार्ड का इस्तेमाल वो किसी और आदमी से बात करने के लिए किया करती थी वो आदमी कौन था क्या नारायणी का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड था क्या वही इस कत्ल के पीछे है ये तमाम सवाल अब पुलिस को और परेशान कर रहे थे और पुलिस इस इन सवालों के तह तक जाना चाहती थी तो पुलिस ने नारायणी से पूछताछ की लेकिन नारायणी ने अधूरा सच बताया उसने कोई खुलकर सारी बातें पुलिस को नहीं बताई लेकिन पुलिस ने जब नारायणी के बच्चों में जो सबसे बड़ी बेटी है छः साल की बेटी उससे जब पूछा तो उसने कई ऐसी बातें बताई जिसने पुलिस की आंखें खोल दी और पुलिस को काफ़ी इस केस को सॉल्व करने में काफ़ी मदद हुई उस बच्ची ने यह बताया कि एक अंकल उनके घर में अक्सर आया करते थे उस अंकल का नाम है तहसीलदार अंकल तहसीलदार सिंह उस अंकल का नाम है और वो अंकल उसके पापा संजय सिंह बघेल के ही दोस्त हुआ करते थे लेकिन बाद के दिनों में वो अंकल जो है तभी घर आते थे जब उसके पापा घर पर नहीं होते थे और इसके बाद उस बच्ची ने अपनी तोतली जुबान में ही पुलिस को यह भी बताया कि वो अंकल जो है अक्सर उसकी मम्मी के साथ कमरे में बंद हो जाया करते थे और मम्मी और अंकल उसे अपना मोबाइल फोन देकर कहते थे कि जाओ इस फोन में तुम गेम खेलो अब बच्ची छोटी भले थी लेकिन आजकल के बच्चे काफ़ी होशियार भी हैं समझदार भी हैं तो उस बच्ची को इन सारी चीज़ों में कुछ गड़बड़ लगता था और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बच्ची ने खुद अपने पिता संजय सिंह बघेल को भी इसके बारे में जानकारी दी थी इसकी शिकायत की थी और जब संजय सिंह ने इस बात को लेकर अपनी पत्नी नारायणी को कन्फ्रंट किया तो नारायणी ने इस बच्ची को काफी पीटा भी था और पिता जो है अब पिता की हमदर्दी बच्ची के प्रति थी क्योंकि बच्ची घर की सच्चाई अपने पिता को बताया करती थी और माँ जो है इस बच्ची से नफरत भी करने लगी थी क्योंकि ये बच्ची उसकी करतूतों की पोल खोल रही थी एक दिन बच्ची ने कुछ आपत्तिजनक चीज अपनी माँ की देखी अपनी माँ की कोई आपत्तिजनक हरकत देखी और उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया भी तब उसके पिता संजय ने कहा कि ठीक है किसी रोज़ हम प्लानिंग करके उस अंकल को और तुम्हारी मम्मी को एक साथ पकड़ेंगे बच्ची को ये बात भी अच्छी तरह याद थी कि पापा ने ऐसा कुछ कहा था मगर इससे पहले कि संजय अपने इस इरादे में कामयाब होता बच्ची इस मामले में अपने पापा की कोई और मदद कर पाती एक अक्टूबर 2022 की वो सुबह आ गई जिस दिन संजय सिंह की ऑटो रिक्शा में लाश मिली जिसे शुरुआती तौर पर एक्सीडेंट बताया गया लेकिन बाद में पता चला कि वो मामला एक्सीडेंट का नहीं है बल्कि कत्ल का है तो बच्ची ने जब ये सारी बातें पुलिस को बताई तो पुलिस ने फिर संजय सिंह की मां नारायणी को मा, माँ माफ़ कीजिएगा संजय सिंह की पत्नी नारायणी को और जो संजय सिंह का दोस्त और नारायणी का जो सीक्रेट बॉयफ्रेंड है तहसीलदार सिंह उन दोनों को हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की और जब इस बार पूछताछ हुई तो उनके पास सच कबूलने के सिवाय कोई चारा नहीं था उन्होंने ये मान लिया कि चूंकि उनके नाजायज़ रिश्तों पर या प्रेम संबंध जो भी आप कहें इस चीज़ पर संजय बघेल की नज़र थी और वो रोड़े अटका रहा था तो इसीलिए उन्होंने संजय बघेल की हत्या की प्लानिंग की इस हत्या के तहत इस प्लानिंग के तहत उन्होंने 30 सितंबर 2022 की रात को सेडेटिव मिला हुआ नशीली दवाई मिली हुई का डिनर वो जो है उसके संजय सिंह को सर्व किया उसकी पत्नी ने नारायणी ने और जब उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई वो बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में चला गया तो फिर नारायणी ने अपने आशिक तहसीलदार सिंह को घर बुला लिया और दोनों ने मिलकर स्मॉगलिंग करके यानी तकिए से सांस रोककर पहले संजय सिंह की हत्या की और फिर बाहर से एक बड़ा सा पत्थर लाकर तहसीलदार सिंह ने संजय सिंह का सिर कुचल दिया और ये सब कुछ तब हुआ जब उसी मकान में दूसरे कमरे में तीनों बच्चे सो रहे थे उनके पापा की हत्या हो गई और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बच्चों की माँ यानी बच्चों के पापा की पत्नी ने नारायणी ने अपने बॉयफ्रेंड तहसीलदार के साथ मिलकर की हत्या करने के बाद उनको लगा कि अब लाश कैसे ठिकाने लगाएँ फिर उन्होंने ये तय किया कि वो लाश को ऑटो रिक्शा में ही लेकर जाएंगे कहीं और सुनसान जगह पर फेंक कर फ़रार हो जाएंगे इसके बाद उन्होंने अपने घर से ऑटो रिक्शा निकाली उसमें संजय सिंह बघेल की लाश रखी पिछली सीट पर और ड्राइव करके ले जाने लगे लेकिन आधे रास्ते में वो ऑटो रिक्शा जो है वो ख़राब हो गया तकदीर ऐसी किस्मत ऐसी कि वो ऑटो रिक्शा बीच रास्ते में ख़राब हो गया और जब ख़राब हो गया तो वो जो तहसीलदार सिंह है इस कत्ल का मास्टर और नारायणी का पार्टनर उसने उस ऑटो रिक्शा को धकेलना शुरू किया ताकि लाश समेत ऑटो रिक्शा को किसी ऐसे ठिकाने तक पहुंचाए जहां कम से कम वो डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सके ठिकाने लगा सके और इसी इरादे से वो लाश को लाश समेत उस ऑटो रिक्शा को धकेलता हुआ राजपूत नगर के उस नाले तक पहुंचा जहां पर उसने धक्का देकर नाले में उस ऑटो रिक्शा को गिरा दिया लेकिन संजय सिंह की लाश जो है वो पिछली सीट पर थी और पिछली सीट पर ही अटकी हुई रह गई इसके बाद जो कातिल है जो मुलजिम है वो वहाँ से फरार हो गए ऑटो रिक्शा की वो तस्वीर जिसमें एक बंदा ऑटो रिक्शा को धकेलता हुआ दिख रहा था वो भी संजय सिंह की का जो कातिल है हत्या का आरोपी तहसीलदार सिंह उसकी तस्वीर से हु मेल खा रहा था तो ये चीज़ें इस्टैब्लिश हो गई अब जब पुलिस इस मामले की जाँच करते हुए मौका वारदात पर पहुँची तो उसे और भी कई सबूत मिले घर से संजय सिंह बघेल के खून के निशान मिले हत्या कर देने के बाद जब सिर कुचला गया उसका जब भारी पत्थर से उसके सिर पर वार किया गया तो ढेर सारा खून घर पर बिखर गया घर में बिखर गया तो ये जो महिला है नारायणी उसने संजय सिंह का जो तकिया है सोने की सोने का जो तकिया होता है उस तकिए को ही फाड़ दिया और फाड़ कर उसमें जो खून था उन सारे रुई था उस रुई से पूरे मकान में जो खून बिखरा हुआ था उस खून को साफ किया और फिर से खून सने रुई को उस तकिए में भरकर उसको सिल दिया ताकि किसी को पता भी न चले कि खून बहा भी था और घर में कहीं खून पड़ा भी हुआ है देर सवेर वो उस तकिए को भी ठिकाने लगाने वाले थे लेकिन इससे पहले कि वो ठिकाने लगा पाते पुलिस की जांच बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और घर से खून के निशान भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिले और खून से सना हुआ वो तकिया भी पुलिस ने बरामद किया ये जो छोटी सी बच्ची है जिसने शुरुआती बयान पुलिस को दिया था उस बच्ची को पुलिस ने कोर्ट में भी एक अहम गवाह के तौर पर पेश किया पेश किया और आपको जानकर दुख भी होगा अच्छा भी लगेगा हैरानी भी होगी कि उस छोटी सी बच्ची की गवाही और तमाम सबूतों के आधार पर अदालत ने इस मामले में संजय सिंह की बेवफा पत्नी नारायणी और उसके बॉयफ्रेंड तहसीलदार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तो ये थी पूरी कहानी जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और वो भी बेहद खतरनाक तरीके से और हर वो करतूत जो उसे अपने बच्चों के सामने उनकी आंखों के सामने नहीं करनी चाहिए उसने वो हरकतें और करतूत ये अंजाम दिए उन्हें की तो खैर इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है इस मामले में इंसाफ हो गया है और इंसाफ जो है वो संतोष संतोषजनक लगता है आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है एक हमार हमारी दर्शक हैं डेविड लाल हिमांग हिमंग, हिमंग मांगिया इस तरह से कुछ सरनेम है मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ माफ कीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा सा नाम है तो उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है जो पिछली स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरह से हरिद्वार में एक माँ बेटे की हत्या का मामला पुलिस ने सॉल्व किया और वो केस कितना ब्लाइंड था और उसे सॉल्व करना पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग था लेकिन पुलिस उसमें कामयाब हुई वो कौन सी बातें थी जो पुलिस ने जिनके जरिए उस केस को सुलझाया अगर आप जानना चाहते हैं तो उस स्टोरी को जाकर आप क्राइम तक में प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर सुन सकते हैं रविश अंसारी के नाम से एक आईडी है ये अपने आप में मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बात है कि नाम जो है वो ऑब्वियसली अरबिक नेम नहीं है अ, अब्राहमिक नेम नहीं है रवीश लिखा हुआ है और सरनेम जो है वो अंसारी है तो चलिए नाम अपने आप में मुझे लगता है कि गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है बहरहाल इन्होंने लिखा कि बनर्जी सर का अंदाज बहुत दिलचस्प है कहानी सुनाने का थैंक यू वेरी मच अर्शद अंसारी ने भी कमेंट किया बहुत बहुत स्वागत आपका संगमित्रा घोष कमेंट करती हैं हमारी रेगुलर लिसनर हैं थैंक यू वेरी मच संगमित्रा जी आपका सचिन जी ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा देवराज शर्मा जी हैं सिलीगुड़ी से भाविक मोडिया जी कमेंट करते हैं और उन्होंने लिखा है कि आवाज़ जो है मेरी आवाज सुनकर उन्हें सुकून महसूस होती है थैंक यू वेरी मच मनोज प्रभाकर जी ने भी कमेंट किया है होमी राय का कमेंट है मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हमारे रेगुलर निस्नर कमेंट करते हैं मनु दी पैंथेटिस्ट के नाम से एक आईडी है बहुत बहुत स्वागत आपका उन्होंने भी कमेंट किया है प्रकाश पी उमा शंकर राज प्रत्युष डी प्रत्युष डी बराल इन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि हेलो सुप्रतिम बैनर्जी आई एम योर लिसनर फ्रॉम असम एंड ए बिग फैन ऑफ यू थैंक यू वेरी मच भाई इस इज्जत और हौसला अफजाई के लिए परूप जी जर्मनी से हमें सुनते हैं uh, शैतान सिंह राजपुरोहित जालोर से हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी कमेंट किया है बहुत बहुत स्वागत आपका क्रिकेट क्रिकेट्स फैक्ट्स के नाम से एक आईडी है उन्होंने भी कमेंट किया है सतनाम सिंह जी का कमेंट है संगमित्रा घोष ने भी कमेंट किया है और उन्होंने चालीस रुपये जो है वो कमेंट्स के साथ कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं ये भी एक अलग सी बात है थैंक यू वेरी मच संघमित्रा जी विनय नासवाले जी का कमेंट है और अशोक पटेल जी ने कमेंट किया है वर्जीनिया डिसूज़ा का कमेंट है बहुत स्वागत आपका पी के चंद्रा जी रेखा भट्ट जी सत्येंद्र जी ने कमेंट किया है संदीप धामरे जी का कमेंट है प्राची शाह का कमेंट है और इसके अलावा डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी जी ने कमेंट किया है नीलांजन दत्ता कमेंट करते हैं विजेंद्र सिंह जी हैं गुरप्रीत सिंह मोहम्मद अख्तर का कमेंट है बी एस बी सिक्सटी थ्री रितिका पांडे स्टोरी सुनने के साथ साथ अगर आपके पास पिक्चर हो तो प्लीज़ उसे भी दिखाया करें थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सजेशन टनो धर्मेंद्र कुमार का कमेंट है अब्दुल मोहम्मद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि पता नहीं मैं उनका नाम कब पढूंगा या उनका कमेंट कब लूंगा मैं उन कमेंट्स को जब पर्सनली पढ़ता हूं अभी तो कैमरे के सामने पढ़ रहा हूं जब पर्सनली पढ़ता हूं तो उसे सुनकर थोड़ी सी बेचैनी सी होती है मुझे लगता है कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जानबूझ कर रही कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ या इग्नोर कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है मैं पहले कई बार बता चुका हूँ मैं रैंडमली कैमरे के सामने मोबाइल ऑन करके कमेंट्स पढ़ने लगता हूँ तो जब वो सामने अपीयर होता है तो वो पढ़ता हूँ अगर सामने नहीं दिखता तो नहीं पढ़ पाता हूँ तो बस सिंपल सी बात है अगर आप कमेंट रेगुलर करते हैं या करती हैं और अगर मान लीजिए मैं नहीं भी पढ़ पा रहा हूँ तो उसको अदरवाइज़ मत लीजिए थोड़ा कमेंट्स का टाइमिंग चेंज कीजिए तो हो सकता है कि वो सामने अपीयर हो जाए और वो दिख जाए तो एनी थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट सजेशन्स एंड ऑल दिस हौसला अफजाई और मैं फिर हाजिर हूँ किसी और बाकी किसी और कहानी के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए जय हिंद जय भारत